हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम तो आज हम पढ़ने वाले हैं द न्यू टॉपिक दैट इज माइक्रोमेट्री माइक्रो को मतलब होता है स्मॉल एंड मेट्री मींस स्केल सो वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड सो दैट वी कैन मेजर सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सो जो भी बायोलॉजी स्टडी करता है कभी कभी ऐसा टाइम आता है जहाँ पर उनको मेजर करना पड़ता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म If I talk about our eyes, our eyes can see up to 50 to 100 micrometer. Other coi organism 50 micrometers in niche size So we do require microscope and we do require micrometry so that we can know the dimension of a particular organism. So here we can measure the diameter of cell, we can measure the diameter of any cell organelles like mitochondria lysosome, and it can be recorded. माइक्रोमेट्री जो है डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्मल्स आर नोन एज माइक्रोमीटर्स तो हम माइक्रोमेट्री में जो है दो तरीके के स्पेशल माइक्रोस्केल्स का यूज करेंगे एंड ऑब्वियसली वी डू रिक्वायर माइक्रोस्कोप एंड वी विल गेट टू नो अबाउट द डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हम कुछ डायमेंशन uh, um, uh, की बात कर लेते हैं कुछ स्केल्स के बारे में बात कर लेते हैं हम टेन रेस टू माइनस थ्री भी लिख सकते हैं one क्या होता है इट इज वन अपॉन वन थाउजेंड मिलीमीटर जिसको हम टेन रेस टू माइनस सिक्स भी लिख सकते हैं जिसको हम टेन रेस टू माइनस नाइन भी लिख सकते हैं So micrometry it is a kind of a technique which helps us to measure the size of a particular microscopic object or microscopic organism by simply measuring them and we can measure them by the help of the microscope. So jubi measurements in micrometry they are always expressed in the micrometers. So this is how the micrometer it is written. Further all these micrometers they require ऑक्यूलर एंड स्टेज माइक्रोमीटर तो हम जब माइक्रोमेट्री का यूज करते हैं हमें दो तरीके के माइक्रोमीटर्स की जरूरत है द वेरी फर्स्ट इज ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और सेकेंड इज स्टेज माइक्रोमीटर सो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर स्लाइड एंड ऑक्यूलो माइक्रोमीटर सो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज स्टेज माइक्रोमीटर स्लाइड यू कैन सी इट इज अ स्लाइड और इसके ऊपर आपको एक लाइन नजर आएगी विच इज एक्चुअली अ मेजरमेंट

और इसमें आप देख सकते हैं नंबर्स गिवन टू आईपीस माइक्रोमीटर को इट कैन बी ऑन सर्कुलर प्लास्टिक और इट कैन बी ऑन द ग्लास डिस्क यू कैन सी देर इज अच इज ड्रॉन विच इज डिवाइडेड इन टू हंड्रेड पार्ट इसलिए हंड्रेड तक इसमें नंबरिंग्स दी गई द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज नॉट मैं यहाँ पर हेयर द नेक्स्ट वन इज अ स्टेज माइक्रोमीटर यू कैन सी इट इज़ अ स्लाइड स्लाइड को जैसे कि हम जानते हैं इट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द स्टेज एंड इन साइड यू कैन सी अ लाइन एक्चुअली ये जो लाइन है हेयर यू कैन सी हेयर डिविजन्स आर प्रेजेंट सो इट इज़ कॉल्ड अ स्टेज माइक्रोमीटर इट इज़ हैविंग एक्यूरेट स्केल कैलिब्रेटेड स्केल इज गिवन और यहाँ पर जो लेंथ है हेयर द लेंथ विच इज प्रेजेंट इट इज इन मिलीमीटर्स तो ये जो पूरी आपको लेंथ नज़र आएगी Here, आपको ये जो पूरी लेंथ नजर आएगीज वन एम एम ये जो आपको लेंथ नजर आ रही है इट इज अबाउट मिलीमीटर इट इज अबाउटीटर ओके यहाँ पर ये जो वन मिलीमीटर लेंथ है इट इज ऑल्सो डिवाइडेड देर आर अबाउट हंड्रेड डिविजन उट हंड्रेड डि प्रेजेंट इसमें ज्यादातर कोई भी नंबर नहीं लिखे होते हैं इनमें नंबर्स नहीं लिखे होते अगर सपोज ये जो यहाँ पर लाइन दी गई है इट इज ऑफ एम एम एंड्रेड डिविजन तो हम बोल सकते हैं कि वन अपॉन हंड्रेड इजल टू जीरो पॉइंट जीरोमीटर्स ओके तो यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं ये यहां पर जो साइज uh, दिया गया है यहाँ पर जो साइज है इट इज जीरो पॉइंट जीरो मिलीमीटर और और इसी को ही आप बोल सकते हैं इट इज द पार्टीशन इट इज माइक्रोमीटर अपार्ट ओके सो इस तरीके से जो है वी हैव गॉट टू नो वॉट एग्जैक्टली द साइज इज सो हियर द कैलेब्रेशन इज डन बाई कंपेयरिंग द स्केल ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर विद दिस स्टेज माइक्रोमीटर तो हमें दोनों ही ऑक्र माइक्रोमीटर स्टेज माइक्रोमीटर दोनों को ही जरूरत है और हम जो है इन दोनों की लाइंस को कोइंसाइड करेंगे एंड वी विल गेट टू नो द आंसर सो हियर दिस इज द स्टेज माइक्रोमीटर जिसमें माइक्रोस्कोपिक लाइन दी गई है विच इज अन एम एम दैट इज वन मिलीमीटर और इसमें करीबन हंड्रेड डिविजन है इसका मतलब यहाँ पर जो एक डिविजन है वो कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर होगा ओके okay. सो so, यहाँ पर हेयर द लाइन इट इज डिवाइडेड इन टेन पार्ट्स यू कैन से लाइक दिस ओके और यहां पर वन डिविजन जो है इट इज अबाउट मिलीमीटर और इसी को आप टेन माइक्रॉन भी बोल सकते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है माइक्रोमेट्री का सबसे पहले वी डू रिक्वायर द ऑक्यूलोर माइक्रोमीटर इट इज प्लेस्ड ऑन द मेटल डायफ्रगम इन द आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप जिसके हम ये जानते हैं इट इज नियर टू द आई सो वी कॉल देम दिस इज आई पीस इसको जो है ओपन किया जाता है एंड एज वी ओपन इट हियर एज इट बिकम्स एंटी वी नीड टू इंसर्ट द माइक्रोमीटर दैट इज द आई पीस माइक्रोमीटर यू कैसे ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को जो है इंसर्ट किया जाता है फिर से हमें इसी ओपनिंग को जो है फिर से ढक्कन जो है हम फिर से लगा देते हैं तो इस तरीके से जो हमें स्केल इंसर्टेड हुई नजर आती है इनसाइड द IPs. अब जो है सेकेंड स्टेप क्या है जो भी स्टेज माइक्रोमीटर है इट इज स्लाइड इट प्लेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट इट ब्रॉट ब्रॉट स्केल इनटू फोकस तो हमें दोनों की जरूरत है स्टेज माइक्रोमीटर की ऑक्युलर माइक्रोमीटर की और इन दोनों लाइंस को जो है को इनसाइड करना जरूरी है एंड बोथ द लाइन्स इट शुड बी विजिबल सो हम जो स्टेज माइक्रोमीटर uh, है उसके ऊपर जो आई पीस या तो बोल सकते हैं ऑक्यूलर माइक्रोमीटर उसको आ, जो है अच्छी तरीके से रोटेट करके दोनों के दोनों स्टेज माइक्रोमीटर और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की कोइंसाइड करना, करना है और फिर ये जो स्टार्टिंग यू कैन सी दिस इज दू कैन सी दीरोथ लाइन ऑफ द ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और यू कैन सी द आई पीस माइक्रोमीटर इट शुड को जीरो लाइन ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है दिस द टेंथ डिविजन

यहां पर लेंगे और यहाँ पर जैसे कि वी कैन सी दिस इज द वेरी फर्स्ट लाइन विच इज को अब जो नेक्स्ट लाइन को रही है दैट इज गोइंग टू बी दिस लाइन यू कैन सी दिस इज द लाइन जहां पर जो नेक्स्ट दोनों की ऑक्यूलर और स्टेज माइक्रोमीटर की लेंस जो है वो कोइनसाइड करें तो यहाँ पर जो डिविजन्स है स्टेज डिविजन कितने हैं और ऑक्युलर माइक्रोमीटर के डिविजन है वो हम रिकॉर्ड करेंगे जब हम काउंट करते हैं विच आर द डिजन्स हाउ मेनी डिविजन्स आर प्रेजेंट इन द ऑक्यूलर माइक्रोमीटर तो हमको नजर आती है देर आर अबाउट थर्टीन ऑक्यूलर डिविजन एंड यहां पर स्टेज में जो है हमको नजर आते हैं देर आर अबाउट थ्री uh, three divisions थ्री the स्टेज माइक्रोमीटर और ये जो हम देख देख रहे हैं? 40x objective lens में देख रहे हैं हैं में और इमेजिन कर लेते हैं ये कोई है जिसको हमको मेजर करना है और जब हम इसको मेजर करते हैं यू कैन सी लुक एट दुलर माइक्रोमीटर यहाँ पर कितने डिविजन नजर आ रहे हैं ऑक्यूलर लेंथ के दर अबाउट फाइव ऑक्यूलर लेंथ आर प्रेजेंट हम इसी uh, को जो है हम राइट uh, डाउन कर लेंगे सारी के सारी वैल्यूज को ओके सो यहां पर हियर फोर्टी एक्सिवेंस ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर लिया था वो ओवरलैप कर रहा था और सपोज इमेजिन कर लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है हमें जो नजर आया था दैट वॉज अबाउट फाइव ऑक्यूलर लेंथ डिविजन अब यहाँ पर देखना है की डिफरेंस बिटवीन ईच डिजन ऑफ माइक्रोमीटर जैसे कि हमको पता है दैट इज टेन माइक्रोमीटर और यू कैन सी जीरो पॉइंट जीरोमीटर भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर है फैक्टर जो है वॉट इज द फॉर्मूला दैट इज नंबर ऑफ स्टेज डिविजन अपॉन नंबर ऑफ ऑक्यूलर डिविजन इनटू टेन तो जैसे कि हमको पता है थ्री इट इज द नंबर ऑफ स्टेज डिविजन थर्टीन इट इज द नंबर ऑफ ऑक्यूलर डिविजन इनटू टेन करेंगे तो दिस इज द वैल्यू दैट इज टू पॉइंट थ्री जीरो माइक्रोमीटर अब हम बात करेंगे कि डायमीटर ऑफ यीस्ट या तो फिर कोई माइक्रोस्कोपिक सेल का कितना है तो डायमीटर कितना मिला था फाइव डिविजन आए थे फाइव लेंथ तो हम यहाँ पर डायमीटर ले, ले लेंगे इन टू कैलिब्रेशन फैक्टर मिला था दैट इज टू पॉइंट थ्री जीरो और यह अब हमको नजर आएगा कि दिस इज द वैल्यू इलेवन पॉइंट फाइव थ्री माइक्रोमीटर दिस इज द वैल्यू ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि हमको दिखाई दिया था So, इस तरीके से जो है माइक्रोमेट्री को हम स्टडी uh, करते हैं सो so, ये जो हमारा चैप्टर जो है सो so इसके कुछ क्वेश्चन ओके, लाइक व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक डिफाइन कीजिए एक्सप्लेन कीजिए कंडेंसर, स्टेन्स बेसिक एंड एसिड स्टेन क्रोमोफोरिक ग्रुप ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप माइक्रोमेट्री स्टेज माइक्रोमीटर कुछ शॉर्ट आंसर्स भी पूछे जाते हैं लाइक प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रिंसिपल ऑफ स्टेनिंग बेसिक एंड एसिड स्टेंस कुछ और लॉन्ग आंसर्स हैं लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेंस एंड डाइज डिस्क्राइब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हाट आर द वाइटल स्टेन गिव इट्स इंपॉर्टेंस